ठीक है। अब हमने कल पढ़ा था प्राथमिक, पढ़ा प्राथमिक, प्राथमिक में हमने पढ़ी जैसे प्राकृतिक जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके हमने क्या सीख लिया था, वस्तुओं का उत्पादन करना सीख लिया था। फिर इसके बाद चले गए अपन द्वितीयक में, द्वितीयक में क्या थे उद्योग, क्या किया यहां से वस्तु लेके आए और यहां लाकर हमने क्या कर दिया, नया उत्पाद प्राप्त कर लिया, नया उत्पाद प्राप्त कर लिया। दो चीजें पढ़ ली हमने, उदाहरण भी पढ़े थे इसके, क्या जैसे गन्ना है, गन्ने से क्या बनाई थी चीनी, कपास से क्या बनाया था कपड़ा। अब इसके बाद में तीसरा जो क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं तृतीय क्षेत्र या क्रियाएं। अब तृतीय क्षेत्र या तृतीय क्रियाएं क्या होती है इसको देखेंगे। अब देखिए तीसरा जो क्षेत्र का अपना वो है तृतीय क्षेत्र या क्रियाएं, ठीक है। अब इसको अपन बोलते हैं सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का मतलब क्या है कि ये हमें सेवा प्रदान करने का कार्य करता है, क्या प्रदान करता है, सेवा प्रदान करता है, सेवाएं देता है, सुविधाएं देता है, इसलिए अपन इसको बोलते हैं तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक में हमने वस्तुओं का उत्पादन करना सीखा प्राकृतिक रूप से, उसके बाद में उसको द्वितीय क्षेत्र में क्या किया एक नए उत्पाद के रूप में रूपांतरित किया उद्योग धंधों में, ठीक है। और उसके बाद में अपना तीसरी चीज पढ़े तृतीय, इसको अपन बोलते हैं सेवा क्षेत्र। जैसे परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग, भंडारण, ठीक है ना, ये सब चीजें किसमें आएगी तृतीय क्षेत्र में आएगी। जैसे किसान कृषि करता है या उद्योग धंधों में कोई नई वस्तु बन रही है, कोई फैक्ट्री चल रही है, कोई कारखाना चल रहा है, कोई औद्योगिक इकाई चल रही है, उसमें वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। तो वस्तुओं का निर्माण ऐसा तो वही नहीं एक दो वस्तुएं निर्मित होती है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में, ठीक है, वस्तुओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो जैसे प्राथमिक क्षेत्र है, प्राथमिक क्षेत्र में जैसे किसान ने कोई फसल पैदा की, अब उस फसल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, परिवहन की आवश्यकता होगी। उद्योग धंधों में, फैक्ट्रियों में, कल कारखानों में कोई वस्तु बनी, उस वस्तु को देश के अन्य जो दूसरे स्थान है या देश का देश के जो नागरिक है वो नागरिक उनका उपयोग लेंगे, उनको उन फैक्ट्रियों से बाहर निकाल कर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना पड़ेगा। तो उन वस्तुओं को ले जाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, परिवहन की आवश्यकता होगी। संचार की सुविधा भी चाहिए, आजकल तो पूरा जो व्यापार है, जो पूरा वाणिज्य है, जो बिजनेस है वो फोन से ही चलता है ना, संचार के साधनों के द्वारा ही चलता है, ठीक है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर हम संचार के साधनों के द्वारा वस्तुओं को पहुँचा देते हैं ना, संपर्क का साधन है। इसके बाद में बीमा, बीमा चाहिए, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, किसान फसलें पैदा करता है, फसलों का भी बीमा होता है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, दुकानें होती है, उनका भी बीमा होता है, क्योंकि बीमा क्या करता है हमारे जोखिम से रक्षा करता है, जोखिम होता है उस जोखिम से रक्षा करता है। जैसे मान लो कोई कपड़े की फैक्ट्री है, हैं कपड़े की फैक्ट्री में क्या होगा कि जैसे आग लग गई तो पूरा सामान जल के नष्ट हो जाएगा, लेकिन अगर हम उसका बीमा करा के रखेंगे तो बीमा में क्या करेगा सुरक्षा प्रदान करेगा। इसके अलावा बैंकिंग, जब व्यापारिक क्रियाएं बढ़ेगी, वाणिज्य क्रियाएं बढ़ेगी, व्यापार होने लगेगा, लोग धन कमाने लगेंगे, लोगों की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होने लगेगी, तो क्या होगा उनके पास पैसा आएगा, तो उस पैसे को जमा कराने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, बैंकों की आवश्यकता होगी। बैंकों से व्यापार करने के लिए लोन भी लिया जा सकता है, हाँ, और अपनी सुविधा के अनुसार जो अपना पैसा है वो हम जमा भी करा सकते हैं, बैंकिंग की आवश्यकता होगी। भंडारण की आवश्यकता भी होगी, भंडारण का मतलब है कि जब फसलें या कोई वस्तुओं का निर्माण जब ज़्यादा मात्रा में होगा तो उसको रखने के लिए बड़े बड़े स्टोर चाहिए, बड़े बड़े भंडारण की जगह चाहिए, उस भंडारण की जगह पर वो उन वस्तुओं को रख सकेगा, इसलिए भंडारण में एक महत्वपूर्ण, अर्थात आप सीधा सीधा ये समझो जो हमें सेवाएँ दे रहा है, जो हमें सेवा प्रदान कर रहा है वो तृतीय क्षेत्र में आता है।
जो सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है वो किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। ठीक है, उस तृतीय क्षेत्र के उदाहरण क्या हो गए, तृतीय क्षेत्र के उदाहरण हो गए जैसे परिवहन है, संचार है, बीमा है, बैंकिंग है, भंडारण है, ये सब किस में आते हैं, ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अर्थात इन सभी को हम सेवा देने या सेवा प्रदान करने या सुविधा प्रदान करने वाले क्षेत्र में लेते हैं। हमने क्या क्या पढ़ा, हमने तीन क्षेत्र पढ़े, एक पढ़ा हमने प्राथमिक क्षेत्र है, दूसरा हमने पढ़ा द्वितीय क्षेत्र है, तीसरा हमने पढ़ा तृतीय क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या पढ़ा आपने, प्राथमिक क्षेत्र में हमने पढ़ा एक कृषि और उससे संबंधित क्रियाएं, द्वितीय क्षेत्र में पढ़ा हमने उद्योग धंधे या उद्योग इकाइयां, और तृतीय क्षेत्र में पढ़ा हमने तीनों जो जितनी भी सेवाएं आती है वो सेवाएं पढ़ी। अब आप तीनों क्षेत्रों को भी नाम ले लो, उदाहरण लो, ठीक है। जैसे तीनों का डिवाइडेशन कर देता हूँ मैं, ये प्राथमिक क्षेत्र या क्रिया द्वितीय क्षेत्र या क्रिया तृतीय क्षेत्र या क्रिया। ठीक है, सबसे पहले अन्य नाम है, अन्य नाम क्या नाम है इसका, कृषि व्यवसाय क्षेत्र, और क्या कहते हैं इसको, और प्राकृतिक क्षेत्र भी कहते हैं, प्राकृतिक क्षेत्र। इसका क्या नाम है, औद्योगिक क्षेत्र। एक नाम और इसका विनिर्माण क्षेत्र, ठीक है। इसका नाम क्या है, सेवा क्षेत्र। अच्छा, इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण है कृषि, करना, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, खनन, वनों से प्राप्त। इसके उदाहरण क्या है, गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना। तो इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण क्या है, इसके उदाहरण है परिवहन, संचार, बीमा, बैंकिंग, भंडारण। ठीक है, तीसरा है
सेवा क्षेत्र है। जो प्राथमिक क्षेत्र है उसके जो उदाहरण है वो है कृषि करना, मत्स्य पालन करना, मुर्गी पालन करना, खनन करना, वनों से कोई प्राप्त उत्पाद जैसे गोंद है, लकड़ी है, वो सभी इसी में आते हैं। इसके बाद में जैसे दूसरा है वित्तीय क्षेत्र, इसके उदाहरण है गन्ने से चीनी बनाना, कपास से कपड़ा बनाना, और उसके बाद में जो तीसरा क्षेत्र है या जो तीसरी क्रियाएं हैं जिनको हम सेवा क्षेत्र कहते हैं, उसके जो उदाहरण है उनमें है परिवहन, संचार, बीमा,